बॉलीवुड ब्रटल मूवीज सुनने में तो गाइस आप लोगों को काफी ज्यादा अजीब लगता होगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आज तक कोई नहीं लेकर आया। आप पूरी YouTube चेक कर सकते हो। तो सोचा मैंने क्यों ना आज आप लोगों को इन मूवीजों के बारे में बताया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए। वैसे तो बॉलीवुड में ब्रटल मूवीज नहीं के बराबर बनती है, लेकिन जितनी भी है उनमें से बेस्ट मैंने उठाकर इस वीडियो में रखा है। तो चलिए जान लेते हैं। उससे पहले गाइस वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक कर देना और अपने भाई के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले जो मूवी आती है उसका नाम है NH10। मूवी को 2015 में रिलीज की गई है और इसको IMDb तरफ से 7.2 की रेटिंग मिलती है। बात करें मूवी की स्टोरी की, तो मूवी की स्टोरी में अनुष्का शर्मा जो है इस मूवी में शादीशुदा है और वो अपने हस्बैंड के साथ रोड ट्रिप के लिए निकलती है, मतलब कार में घूमने के लिए। लेकिन जैसे ही ये NH10 के हाईवे पर पहुंचते हैं, तब ये देखते हैं कि एक गैंगस्टर टीम एक लड़का और एक लड़की को बहुत ही बेरहमी तरीके से मार रहा है और फिर बाद में उस लड़के का गैंगस्टर मर्डर कर देता है और मर्डर करते हुए अनुष्का शर्मा देख लेती है और गैंगस्टर इनके पीछे लग जाते हैं। गाइस अब जो हमारी अगली मूवी आती है उसका नाम है कुछ तो है। मूवी को 2003 में रिलीज की गई है और इसको IMDb की तरफ से 4.2 की रेटिंग मिलती है। बात करें हम लोग मूवी की स्टोरी की, तो गाइस मूवी की स्टोरी में कुछ फ्रेंड्स हैं और वो लोग कुछ साल पहले एक इंसान का मर्डर कर देते हैं। अब कुछ साल के बाद इनके पीछे एक सीरियल किलर पड़ जाता है और उस इंसान का ये किलर बदला ले रहा है जो इन लोगों ने मारा था। गाइस जो अब जो हमारी अगली मूवी आती है उसका नाम है पुराना मंदिर। वैसे तो ये एक पुरानी हॉट मूवी है, लेकिन इसमें भी ऐसे ब्रटल सीन दिखाए गए हैं जो आप लोगों को देखने चाहिए। मूवी को 1984 में रिलीज की गई है और इसको IMDb की तरफ से 6.3 की रेटिंग मिलती है। बात करें हम लोग मूवी की स्टोरी की, तो मूवी की स्टोरी में एक श्रापित फैमिली है जो एक शैतान इनकी फैमिली को श्राप दे देता है और वो ये भी कहता है कि तुम लोग कभी श्राप से मुक्त नहीं हो पाओगे। इस मूवी के एक्टर इस मूवी में क्या करते हैं ये तो आप लोगों को देखना ही होगा। अब जो हमारी अगली मूवी उसका नाम है मुंबई 125 किलोमीटर। इस मूवी को मैं नहीं कह रहा कि एकदम बढ़िया मूवी है, लेकिन हाँ अगर आप ये मूवी देखते हैं तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। मूवी को 2014 में रिलीज की गई है। अगर हम लोग बात करें मूवी की स्टोरी की, तो मूवी की स्टोरी में कुछ फ्रेंड्स मुंबई रोड ट्रिप पर जा रहे होते हैं घूमने के लिए। फिर आगे चलकर इन लोगों का कार एक्सीडेंट हो जाता है और ये लोग वहां पर फंस जाते हैं और जहां पर ये लोग फंसे हैं वहां पर एक प्रेत आत्मा रहती है जो इन लोगों को मार देना चाहती है। अब जो हमारी अगली मूवी है उसका नाम है एक्सरे द इनर इमेज। मूवी को 2019 में रिलीज की गई है, मतलब पिछले साल ही। बात करें गाइस हम लोग मूवी की स्टोरी की, तो मूवी की स्टोरी में इस मूवी की जो एक्ट्रेस है उनका कार खराब हो जाता है, रात काफी ज्यादा हो जाती है तो वो मैकेनिक को नहीं बुलाती। वो एक लड़के के घर जाती है और कहती है कि मेरी कार खराब हो चुकी है, क्या मैं आज रात रुक सकती हूँ यहाँ पे। लड़का कहता है ठीक है, लेकिन ये जो लड़का है ये पूरी तरीके से पागल है और फिर बाद में ये लड़की के साथ सेक्स करना चाहता है और लड़की इससे भाग रही है। अब जो हमारी अगली मूवी है उसका नाम है बंडित क्वीन। मूवी को IMDb की तरफ से 7.6 की रेटिंग मिलती है और इसे रिलीज की गई है 1994 में। ये मूवी गाइस एक रियल स्टोरी पर बेस्ड मूवी है। बात करें हम लोग मूवी की स्टोरी की, तो मूवी की स्टोरी में इनका नाम है फूलन देवी और इनके साथ 21 लोग मिलकर रेप करते हैं और उन 21 लोगों से ये बदला ले रही है। अब जो हमारी अगली मूवी है उसका नाम है महाकाल। हॉलीवुड की एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी, ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट, ये उसी मूवी की ही कॉपी है। हॉलीवुड की नाइटमेयर को रिलीज की गई थी 1984 में और इस मूवी को रिलीज की गई है 1994 में। बात करें हम लोग मूवी की स्टोरी की, तो मूवी की स्टोरी में एक जले मुंह वाला खौफनाक जो लोगों के सपनों में आता है और इन्हें रियल में दर्द देता है, मतलब इन लोगों को जैसे सपने में घाव देता है वो रियल में हो जाता है। लेकिन इन लोगों के साथ ऐसा ये क्यों कर रहा है गाइस, ये तो आप लोगों को मूवी में ही जाकर देखना होगा। जब ये मूवी मैं देख रहा था तो मैंने सोचा कि बॉलीवुड भी कम नहीं है कॉपी करने में, लेकिन इन्होंने मूवी काफी अच्छी तरीके से बनाया, तो एक बार जाकर देख लेना। तो गाइस ये थी हमारी ब्रटल मूवी की कलेक्शन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना।